हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आपकी एनवीएस के लिए न्यू वैकेंसी निकली हुई 2024 में 13 प्रकार की पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई, उसके लिए आपका कमेंट आया था कि सर इसकी जो लास्ट ईयर भर्ती निकली थी उसमें इन सभी पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ गई थी, वो वीडियो आप प्रोवाइड करा दीजिए कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, इस हिसाब से हम तैयारी कर पाएंगे। तो लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी, कितनी पोस्ट थी, कितने गुना बच्चों को डीबी के लिए बुलाया गया था, पूरा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, कुछ भी डिटेल में इसमें करेंगे। इसमें मैं आपको फीमेल्स नर्स स्टाफ, एएसओ, ऑडिट असिस्टेंट, जेटीओ, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और एमटीएस के कट ऑफ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। कितनी वैकेंसी थी, कितना कट ऑफ गया था, कितने गुना बच्चे डीबी के लिए बुलाए गए थे। ओके, और ये मेरा एनवीएस जेएसए के लिए बेस्ट बुक्स एंड टीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनको पढ़कर मैंने पहली बार में निकाला, ये वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एनवीएस में सभी पोस्ट के लिए मेडिकल कैसे होता है ये वीडियो देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटेल सिलेबस बता दिया, देख लेना। ये केवल अभी जेएसए के लिए बताया है, हालांकि आप सभी के लिए फॉलो कर सकते हैं, जिस जिसके एग्जाम में सिलेबस आते हैं वो सभी फॉलो कर सकते हैं, बट मेनली मैंने जेएसए को सीधा। आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपके सभी पोस्ट के लिए डिटेल में प्रीवी सेल के आधार पर ही बना दूंगा, तो उस वीडियो को देख लेना, उसके लिए चैनल पर जुड़ देगी। ठीक है, ये मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय था जहाँ पर मेरी पोस्टिंग थी। और 2019 में क्या कट ऑफ की थी, जैसे कि वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये मेरी एक एनवीएस की प्लेलिस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, देखिए मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से। ये मेरा था एग्जाम चैनल है, जा रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये देखिए, ये लेटेस्ट मेरी प्लेलिस्ट है एनबीएस एग्जाम 2024, इसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 20 वीडियो हो चुकी है। इसमें नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक एनबीएस के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, इसमें 174 वीडियोस आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बहुत सारी मैंने पीडीबी से 2019 और 22 के लिए वीडियो बनाई थी, तो उस समय का डाटा इसमें अवेलेबल है, वहां से आपके बहुत सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से डाउट मैंने क्लियर कराया था। ठीक है, 2022 का जेएस का कट ऑफ डाल दिया है, ये भी देख लेना। ठीक है, और ये चैनल वगैरह सारे फॉलो कर लेना, द एग्जाम पर जीके भी फॉलो कर लेना, स्टडी की मतलब यहाँ पर स्टडी की वीडियो जो है मैं डालता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह, कंप्यूटर जीके क्लास वगैरह, और टेलीग्राम वगैरह जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं दोस्तों अपना कि क्या कट ऑफ रही थी ऑल पोस्ट के लिए नॉन टीचिंग 2022। चलिए तो यहाँ से हम चलते हैं। ठीक है, ये वाला टेलीग्राम है जिसका नाम है द एग्जाम पर। ठीक है, बहुत सारी अपडेट्स वगैरह, डिटेल सिलेबस की वीडियो वगैरह डालते रहता हूँ, ज्वाइन कर लेना। देखिए, ये है आपका प्रॉपर नोटिफिकेशन जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये है नोटिस, यहाँ पर है मेरिट लिस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू दी पोस्ट ऑफ फीमेल नर्स स्टाफ, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जेटीओ, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ, हेड क्वार्टर और आर ओ कैटर के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड फ्रॉम 8/3/2022, 12/3/2022, 31/3/2022, अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2021 और 22। ठीक है, तो 2021-22 में इन पोस्ट पर एग्जाम हुआ था, उसके लिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी की गई है कि किस किस विद्यार्थी के कितने हाईएस्ट थे, किस विद्यार्थी के कितने लोएस्ट थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको नीचे लिए चलता हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में ईजी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है नवोदय विद्यालय समिति नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट ड्रैग 2021-22, एग्जाम डेट 8 एंड 31 मार्च, 8 मार्च और 31 मार्च को आपका एग्जाम हुआ था 2022 में, जिसके लिए मेरिट लिस्ट यानी जो पहले नंबर पे वो हाईएस्ट मार्क का, जो लास्ट पे है वो लोएस्ट मार्क्स होगा। बट इसमें इन्होंने क्या किया गया है, जितने भी लोगों ने फीमेल स्टाफ नर्स के लिए पेपर दिया था उन सभी के मार्क्स यहाँ पर मेरिट वाइज दे दिए गए। अब ये कैसे पता होगा कि इसमें किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं, तो ऊपर के जितने भी कैंडिडेट हैं, अब वो कितने कैंडिडेट रहेंगे वो आपको यहाँ पता चलेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये है आपका एनबीएस, देखिए एक सेकंड रुकिए, ये है आपका नोटिफिकेशन एनबीएस का जो कि आपका 2021-22 का नोटिफिकेशन है, जिसमें इन सारी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकली थी। तो अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ से देखते हैं फीमेल नर्स स्टाफ, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी कितनी थी। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, ये है देखिए फीमेल स्टाफ नर्स के लिए ग्रुप बी पोस्ट कोड 3 वैकेंसी टोटल थी 82। तो क्या टॉप के जो मैंने आपको रिजल्ट दिखाया उसमें टॉप के 1 से लेकर 82 के बच्चों को बुलाया गया डीबी के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे कितने बुलाए गए उसका भी मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, ये नीचे। ठीक है, ये देखिए ये वाला है, ये देखिए ये है आपकी, यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए स्केड्यूल ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ, एक सेकंड, स्केड्यूल ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, यानी फीमेल स्टाफ नर्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कितने कैंडिडेट बुलाए गए वो यहाँ पर डाटा है, और जो बच्चे बुलाए गए वो कितने बुलाए गए आप देख सकते हो, 1:3 में यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट है वो इस तरीके से, बबीता कुमारी, रविता यादव, पूनम, सविता, शिवाच। ठीक है, तो देखिए बबीता, रविता, पूनम, सविता, ये हैं। अब हम इसके लास्ट में चलते हैं, लास्ट में देखते हैं कि लास्ट का जो बंदा है वो कौन सा है। ठीक है, उसको देख लेते हैं।
तो देखिए लास्ट बन रहा है आपका 258, मेरिट लिस्ट में कौन सा नंबर है 258, दैट इज अंजल त्रिपाठी। ओके चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरिट लिस्ट वाली पीडीएफ पर, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है। देखिए बबीता मैंने दिखाया था, रविता दिखाया था, पूनम और सविता, ये लिस्ट कहाँ तक गई थी, 258 तक बच्चे बुलाए गए थे, यानी कि 82 पोस्ट थी, इंटू 3 करेंगे क्योंकि एक पोस्ट पर तीन बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे, तो 3 2 6 3 8 24 होते हैं 246, बार बुलाए 258। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि किसी बच्चे के डबल नंबर होते हैं जैसे, तो उनको यहाँ पर कॉल कर लिया जाता है, या सर्विस में वगैरह जो होते हैं उनको इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। तो नीचे हम चलेंगे 258वें नंबर पर, देखिए लास्ट मैंने आपको नाम पढ़ाया था आई थिंक, है ना, अंजिल अंजिम त्रिपाठी करके ऐसा मैंने आपको जो नाम है वो पढ़ाया था, 258। एक सेकेंड रुकिएगा, इसमें ये देखिए क्या है, अंजिल त्रिपाठी 258 पे इनका नाम है, ठीक है। इसमें देखिए फीमेल स्टाफ नर्स वेरिफिकेशन वाला है, 258 पे अपन चलते हैं, तो यहाँ पर तो अंजिल त्रिपाठी नहीं दिख रहा है, एक सेकंड में सर्च मारता हूँ फिर आप देखते हैं अपन, अंजिल त्रिपाठी ठीक है, ये आया, देखिए ये आया पर, ये देखिए किस रैंक पे आया, 688 6 नंबर पर आया, और ये जो आया आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है, ये पीएच और वीएच की कैटेगरी में बिलोंग करती हैं, और इनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो ये किस पोस्ट के लिए है भाई, फीमेल नर्स स्टाफ, देखिए तो मतलब कट ऑफ यहाँ तक आपकी लोएस्ट के लिए है, जो कि पीएच और वीएच के कैंडिडेट है 42.75 पर, जो पीएच वीएच के कैंडिडेट है उनको यहाँ पर बुलाया गया इसमें। और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें लास्ट में कौन कौन से कैंडिडेट है, इसके अलावा संचित है और ज्योति कुमारी है, ठीक है, 257-58 पर संचित और ज्योति कुमारी, अभी हमें देखना पड़ेगा संचित और ज्योति कुमारी, संचित टाइप करते हैं, संचित, तो संचित इसमें फाइंड कर, देखिए संचिता, नो एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, संचित है ये, है ना, इसकी भी देखिए मेरिट लिस्ट कितनी है, ओबीसी की कैटेगरी से है, और लास्ट में 000 करना है, इसका नहीं है, ये नहीं है, दूसरा होगा कोई, एक सेकंड रुकिए, पर इसको पीडीएफ को बनाया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पर एनबीएस नोटिफिकेशन 2022 मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कितनी वैकेंसी है, 6 वैकेंसी है, ठीक है, कितनी एसटी की 6 है, टोटल 82 है, जनरल की 35 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीसी की 22 है, और एससी की 12 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ओके जब आप एनबीएस के ऑल रिजल्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको जो रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखिए मैं आपको नीचे लेकर चलूंगा ना, तो देखिए यहाँ तक ये आपका एएसओ का रिजल्ट आ चुका है 1944, ठीक है, ये भी आपका एएसओ का ही हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड की, देखिए ये एक्चुअली बहुत बड़ी पीडीएफ है, देखिए आप देख सकते हो 2596 पेजेस की पीडीएफ है, ऊपर आपको दिख रहा होगा 2596 पेजेस की पीडीएफ है, यहाँ पर देखिए फीमेल नर्स स्टाफ, तो यहाँ पर कितने बच्चे हैं आप देख सकते हो, 18,246 बच्चे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से, और भी नीचे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं इसमें दोस्तों, बहुत सारे, इसमें क्या है इन्होंने बताऊँ, ये जो रिजल्ट दिया है इसमें, जो ये रिजल्ट दिया गया इनके द्वारा वो इस बेसिस पर दिया गया, मैं थोड़ा और ऊपर इसको नहीं चलता, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो रिजल्ट दिया गया ना, इसमें एक्चुअली में यहाँ पर देखिए, यानी कि फीमेल नर्स स्टाफ हो या कोई भी और कैटेगरी है, उसमें जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा था सभी का रिजल्ट दिया है, जिसने एग्जाम दिया था सबका रिजल्ट है, बट यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, तो मैंने बताया था आपको 1:3 के रेशियो में यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिला है ना, 82 पोस्ट है, तो यहाँ पर 82 का 3 गुना, यानी कि 3 2 6 और 3 8 24, 246 कैंडिडेट का चयन हुआ है, बट यहाँ पर जो कुल चयन किया गया है इनके द्वारा वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, देखिए मैं आपको फिर दिखाया था, है ना, देखिए कितने दिखाया, 258 कैंडिडेट का चयन किया गया है, ठीक है, शायद इसमें इन्होंने ये वाली जो वैकेंसी है ये भी इंक्लूड की है, जिसमें आपका 2 3 4, यानी कि 4 या 12 वैकेंसी और यहाँ पर ऐड की गई है, ठीक है। तो ये देखिए अगर मैं इसमें 12 वैकेंसी और ऐड कर दूँ तो ये कितने रहेंगे, 6 2 8 258, ठीक है, तो इस तरीके से 258 वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट की गई है। अब दोस्तों इसमें जो आपका जो रिजल्ट आया वो किस तरीके से चेक करना है, मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है रिजल्ट की वो प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप चेक कर लेना। अब इसमें चेक किस तरीके से करना है वो मैं चलिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है एक्चुअली में, जैसे ओबीसी की जो वैकेंसी है, ओबीसी की वैकेंसी कितनी है मैं आपको यहाँ पर एक आईडी देता हूँ, ओबीसी की वैकेंसी 00, ठीक है, नॉन क्रीमियर लेयर की, बट ये बट नहीं इसमें नहीं, सॉरी ओबीसी की वैकेंसी 22, ठीक है, ये देखिए और यहाँ से हम चलेंगे तो ओबीसी की वैकेंसी 22 है ना, तो इस तरीके से 22 3 66, इस तरीके से आपको 66 बंदे गिनने ओबीसी के, ठीक है, ओबीसी के 66 बंदे आप इस तरीके से जब गिनेंगे तो लास्ट कट ऑफ आपको यहाँ पर मिलेगी। मैं आपको कट ऑफ चेक इसमें करके नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ दिखा देता हूँ, मिनिमम आपको खुद चेक करना पड़ेगी, कैसे चेक करना पड़ेगी मैंने बता दिया कि 22
पोस्ट थी, इंटू आप इसमें 6 3 करेंगे तो 22 66, यानी कि कुल ओबीसी ओबीसी वाले आपको यहाँ से इस तरीके से जाएंगे तो आपको इसमें 66 बंदे देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले वाला जो मैक्सिमम कट ऑफ गया था वो था 113.75 आउट ऑफ 120, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 113.750 यहाँ पर हो गया था, ठीक है। इसी तरीके से यूआर का जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था 108.75 और 108.750 नॉर्मलाइजेशन के बाद, एडब्ल्यूएस का हाईएस्ट 92.75 और 92.750 नॉर्मलाइजेशन के बाद। इसी तरीके से हम नीचे चलेंगे तो इसमें एससी कैटेगरी का, ये देखिए एससी कैटेगरी का जो मैक्सिमम गया था वो गया था 81.75। इसी तरीके से इसमें एसटी कैटेगरी भी आपको देखने को मिल जाएगी, नीचे आएंगे तो एसटी कैटेगरी का जो मैक्सिमम गया था वो गया था 77.50, ठीक है। एक्स सर्विसमैन में भी देखिए यूआर में 77.75 यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ गई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपको मैक्सिमम अगर कट ऑफ निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, जैसे ओबीसी में आपको 66 बंदे गिनना पड़ेंगे, मैं गिन के बताता हूँ। चलिए 1 2 ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 के बाद 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42, ठीक है। 42 के बाद 43 44 45 45 से 40 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 और 66। तो यहाँ तक आपके ओबीसी के जो कैंडिडेट थे, स्वाति सोनी, ठीक है, स्वाति सोनी, तो यहाँ तक देखिए मिनिमम जो कट ऑफ गई है ओबीसी की वो 71.50, ठीक है, स्वाति सोनी तक गई। अब लिस्ट में हम नाम देते हैं, क्या स्वाति सोनी का नाम आपको देखने को मिलता है? और ये जो लिस्ट दी गई ना, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो आपको लिस्ट दिख रही है, ये जो देखिए ये जो लिस्ट है ना वो किस तरीके से दी गई, जो लिस्ट है यहाँ पर देखिए, ये जो लिस्ट दी गई ना बबीता कुमारी, जो कि आपको लिस्ट में नाम दिखाता है, ये ओबीसी के टॉप पर है। इस लिस्ट में भी इन्होंने क्या करा है, स्टार्टिंग में तो सभी को रख दिया है यूआर ओबीसी को, बट लास्ट में जाते जाते इन्होंने एससी को एसटी को ओबीसी को इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है, ठीक है। अब स्वाति सोनी हमें देखना पड़ेगा तो देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट में इसमें चेक किया हुआ है, इन्होंने इसमें कैटेगरी वाइज दे दिया, इसमें इसको जो है इन्होंने मेरिट लिस्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसमें तो ढूंढने में बहुत दिक्कत है, आप मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको मेथड बता दिया किस तरीके से आपको ढूंढना है, क्योंकि मैं बताऊंगा इसको एनालाइज करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी पीडीएफ भाई, 2500 करने की पीडीएफ कौन उसमें देखेगा, है ना। देखिए ये देखिए स्वाति सोनी, ये देखा स्वाति सोनी आपको नाम दिख गया, यानी कि स्वाति सोनी जो है ये ओबीसी से लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है। अब मैं प्रतिभा कुमारी दिखाता हूँ कि प्रतिभा कुमारी कौन सी, 153 पर ये थी, है ना, बट इसमें देखिए आपको जो रिजल्ट दिखेगा 153 पर नहीं दिखेंगी, स्वाति सोनी देखिए ये था 153 पर नहीं, 185 पे दिखेंगे, ठीक है, 185 पे। अब प्रतिभा कुमारी देखिए अगली कैंडिडेट है, जो कि ओबीसी से ही क्वालिफाइड है, ठीक है, ये भी ओबीसी से क्वालिफाइड है। इसके अलावा ओबीसी से फिर स्नेहलता खीर, ठीक है, तो स्नेहलता खीर भी देखिए ओबीसी से, है ना। इसके बाद होलवेट कविता राजवन ऐसा करके देखिए, ये भी ओबीसी से ही है, तो इन्होंने कुछ ज्यादा बंदे भी यहाँ पर बुला लिए गए, ठीक है। और इसके अलावा देखिए फिर इसके बाद है आपका सोलंकी यशोदा जासू भाई नीरजा कुमारी, ठीक है, नीरजा कुमारी, और देखिए सोलंकी यशोदा नीरजा कुमारी, ये देखिए अब ये देखिए ये एससी से, ये दिख रहा होगा आपको एससी से, देखिए है ना, ये एससी से सोलंकी यशोदा, देखिए मैं आपको बताऊँ सोलंकी यशोदा, फिर नीरजा कुमारी, फिर अस्त करके देखिए ये ओबीसी से। तो यहाँ पर भाई इन्होंने पता नहीं है किस तरीके से रिजल्ट को बनाया हुआ है, ठीक है, पर मैं आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। आप इस हिसाब से मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप मिनिमम कट ऑफ ना देखते हुए केवल आप मैक्सिमम कट ऑफ देख लें, और वैकेंसी का 3 गुना करके जितना आपका कट ऑफ आप निकाल सकते हैं वो आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा, ठीक है, बस 3 गुना तक चले जाना, उसके नीचे मत जाना, क्योंकि बहुत बड़ी पीडीएफ भाई कहाँ तक देखोगे, 2500 पन्ने की पीडीएफ ऊपर देखो आप जरा, है ना। इसमें आपको सारे मिल जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया फीमेल नर्स स्टाफ, ऊपर आपको यहाँ पर दिख जाएगा ना, देखिए ये वाला फीमेल नर्स स्टाफ इस तरीके से लिखा हो। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, चलिए जैसे आपको ये सब देखना असिस्टेंट, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। अब यहाँ पर हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर करेंगे, तो यहाँ पर आपको टाइप मैंने कर दिया, देख सकते हैं आप कितनी बड़ी पीडीएफ है कि उसको लोड होने में ही इतना समय ले रहा है, ठीक है, ये दोस्तों बहुत बड़ी पीडीएफ है, लोड होने में इसको पसीने छूट रहा है। तो देखिए यहाँ से इसका जो पेज नंबर 1 से देखिए एक टोटल 1 से लेकर 361 पेजों तक, यानी कि केवल ESO का जो रिजल्ट है वो 361 पेजों तक फैला हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप हाईएस्ट नंबर देख लेना कैटेगरी में कि ओआर के कितने 126.25 है, एससी के कितने हैं 125.25 है, ओबीसी के कितने हाईएस्ट 125.25 है, कितने में से देख रहे हो 130 में से एक्चुअल स्कोर इन सीबीटी, क्योंकि इसमें एक ही शिफ्ट हुई थी तो इसमें नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं किया हुआ, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर इसमें एमटीएस का देख रहा है, यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ का देना, मल्टी टास्किंग, ठीक है, मल्टी टास्किंग
स्टाफ। तो अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट सेक्शन जो ऑफिसर है उसके लिए 10 पोस्ट है, ठीक है। यूआर की 6 पोस्ट है, यानी कि 18 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। 18 से ज्यादा भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी के नंबर ज्यादा होते हैं, तो वो वहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को डीबी के लिए जो कैंडिडेट बुलाए गए वो हैं, तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट बुलाए गए देखिए, यहाँ पर 10 पोस्ट है, तो कितने कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए गए देखिए, यहाँ पर टोटल 36 कैंडिडेट जो है एएसओ के लिए बुलाए गए। और वैकेंसी कितनी देखी है एएसओ में, 36 कैंडिडेट जो बुलाए गए देखिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर टोटल 10 कैंडिडेट हैं। और यहाँ पर जो बच्चे बुलाए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, देखिए यहाँ से देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, तो ये कितने बच्चे बुलाए गए, मात्र 36 बच्चे ही यहाँ पर बुलाए गए। ओके, तो आप देख सकते हैं केवल 36 बच्चे यहाँ पर बुलाए गए। ये जो दोस्तों ये पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहां से जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं। और रिजल्ट किस तरीके से चेक करना मैंने बता दिया आपको, कि आपको टॉप का जो भी यूआर का कैंडिडेट टॉप में है ना, और जो वैकेंसी है, जैसे कि नोटिफिकेशन भी दे दूंगा आपको, नोटिफिकेशन देख लेना कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है, उसके हिसाब से आप 3 गुना करके जो कट ऑफ निकाल लेना यहाँ से, ठीक है। मतलब टॉप के जो यूआर के 33 बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कट ऑफ देख लेना, ठीक है। इसमें आपको जो वैकेंसी मिलेंगी, किस किस वैकेंसी का ये रिजल्ट है, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको कौन कौन सी वैकेंसी मैंने बताई थी, देखिए यहाँ पर फीमेल नर्स स्टाफ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, लेबर अटेंडेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ, ठीक है। तो इसका आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी पीडीएफ है, आप आराम से आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसका कट ऑफ यहाँ पर देख लेना, ठीक है। इस तरीके से मैं सारी पीडीएफ डाल देता हूँ, वहाँ से जाके आप इसे चेकआउट कर लीजिए। ओके, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही रखते हैं वीडियो में, बाकी अगली वीडियो आपको प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर मैं लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।